संस्थाएं ये बता रही हैं कि देश हमारा आठवें नंबर पे पहुंच गया है अमीरी में। अगर अमीरी में आठ नंबर पे हमारा देश है और किसान दुखी है, गरीब दुखी है और किसान आत्महत्या कर रहा हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि पांच बजट में गरीब और किसान को कुछ मिला होगा। और नौजवान, जहां तक सवाल यह है कि गांव का नौजवान 90% बेरोजगार है, और मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि ऐसी पीढ़ी एक निकल जाए जिसको कभी नौकरी और रोजगार करने का मौका ही ना मिले। जमीन पे क्या है? और मैंने आपसे कहा कि एक पीढ़ी निकल जाएगी जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेंगे। अभी 34,000 नौजवानों की भर्ती हो गई, पुलिस भर्ती हो गई, और पुलिस भर्ती हो गई उनका रिजल्ट बड़ी मुश्किल से कोर्ट से आया। अब बताइए, फिर रोक दिया रिजल्ट उनका, अब रिजल्ट फिर रुक गया उन नौजवानों का। उनकी क्या दिक्कत थी जो रिजल्ट इतने सालों से इंतजार कर रहे थे? पिछले कम से कम 16 महीने से बेचारे इंतजार कर रहे थे नौजवान, लेकिन इस सरकार ने रिजल्ट रोक दिया। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के सपनों को तोड़ा है। पांच बजट में क्या मिला है? कोई एक यूपी को मेट्रो मिली हो तो बता दीजिए, बुलेट ट्रेन मिली हो तो बता दो, स्मार्ट सिटी बनी हो तो बता दो, गंगा साफ हुई हो। मेरे क्षेत्र में कन्नौज में लाखों मछलियां मर गईं। और याद रखिए, जब पानी मरता है तब मछली मरती हैं। पानी मार दिया इनकी सरकार ने। और मैं आज भी नोटबंदी को गलत मानता हूं। गरीब को उस समय नहीं पता लगा कि नोटबंदी से उसका ही व्यापार, उसी का कारोबार, उसी का नुकसान हो जाएगा। उसे तो यह लगा था कि अमीरों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब से उसने देखा है कि अमीर लोग पैसा लेकर के बाहर चले गए हैं, तब से वो समझ गया है कि उसके पैसे तो उसके पास आने नहीं थे, ये पैसे तो अमीरों को देने वाले थे। और फिर इसलिए जनता अब समझ गई है, मैं समझता हूं 2017 को तो इसीलिए किया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार न बन पाए, और उसमें कामयाब हुए। इस बात में तो कामयाब हुए बीजेपी के लोग कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले गए, लेकिन आर्थिक स्थिति हर क्षेत्र में कमजोर हुई है, बाजार कमजोर हुआ है, कारोबार नहीं चल रहा, मजदूर को नहीं नौकरी मिल रही। शायद वो परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। और जो बैंकें डूब रही हैं, जो लोग पैसा लेके बैंकों के चले गए, उसी का असर दिखाई देने को मिल रहा है। सवाल ये, जमीन पे क्या काम हुआ है? 21 महीने में समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बना दिया आगरा से लेकर के लखनऊ, आप बनाइए 20 महीने में बलिया और गाजीपुर तक। आपने महीने काट दिए, आपने एक साल काट दिया क्योंकि समाजवादी वहां जमीन ले चुकी थी, आप नहीं बनाना चाहते थे, समाजवादी सरकार का काम था। इसलिए आपने मेट्रो कोई नहीं बनाई, आपने कोई मेट्रो बनाई? हमने तो बनारस के लिए भी डीपीआर अप्रूव कर दिया था, कानपुर के लिए अप्रूव कर दिया था, आगरा का कर दिया था, मेरठ का कर दिया था। आप कह रहे हो गोरखपुर में मेट्रो बनेगी, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनेगी, गोरखपुर में मेट्रो बनेगी, मेट्रो झांसी में बनेगी। हमारा इंतजार होगा कि झांसी में और गोरखपुर में कब मेट्रो बनेगी? तो सवाल मुद्दे का है, उसको कौन जवाब देगा?